प्राचीन शिव मंदिर धाम बाबा स्वरूप दास कुबी बेरी शक्तिनगर अमृतसर में नवरात्रों के अवसर पर प्रतिदिन माता की चौकी का आयोजन पंडित फतेह कृष्ण प्रधान प्रमोद भाटिया वीना भाटिया द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सप्तम नवरात्रे पर मां की विशाल चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी रजनी कृष्णा वृंदावन बरसाने वालों ने अपनी हाजिरी लगाई। इससे पहले परम सावल साध्वी कशिश कृष्णा किशोरी वरुण बबलू गौरव सावरा आशु चौहान ने श्री गणपति जी की आराधना की। इस मौके पर मुनीश कपूर आशीष कपूर जगदीश कालरा प्रिया कालरा पलक भाटिया राहुल प्रथमेश भाटिया सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मंदिर कमेटी की तरफ से प्रमोद भाटिया पंडित फतेह कृष्ण ने आए हुए अतिथियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर फलाहारी भंडारा भी लगाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सब बन रहे सात समंदर की रत करूं गुरु गुण लिखा ना जाए गुरु गुण लिखा ना जाए। सो बड़े ही प्रेम से क्या कहना है गजानना गजानना गजानन नौजवान सभा सोसाइटी की ओर से 22वां वार्षिक जागरण बस्ती मिठू जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें मां चिंतपूर्णी धाम मां ज्वालाजी धाम और मां नैना देवी धाम से पावन ज्योतें लाई गई। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर सांसद सुशील कुमार रिंकुरी विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें सोसाइटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मोहन सिंह मोनू परमजीत सिंह पम्मा विजय गुप्ता रघुनाथ गुप्ता लखविंदर सिंह लक्की जतिन प्रीतम सिंह बाबा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। उसका नाम प्याला पिता अज मैं दर
समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के 8वें दिन की शुरुआत कलाकारों द्वारा खरदूषण वध और श्री हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका को तहस नहस के दृश्य के साथ की गई, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। 8वें दिन की रामलीला की शुरुआत जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन एवं आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान अमृतपाल सिंह गिल, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, ब्लॉक प्रधान बलबीर सिंह, यशपाल ठाकुर, मनीष शर्मा और अति अग्निहोत्री ने विशेष रूप से उपस्थित होकर की। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम, संरक्षक राम सिंह, सीनियर चेयरमैन दीपक सूरी, चेयरमैन वीपी गुप्ता, उपप्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, मैनेजर राजेंद्र तिवारी, विनोद कुमार, विक्रमजीत वर्मा, सूर्य मिश्रा, हरिराम प्रजापति, प्रताप नारायण यादव, रामू प्रसाद, सियाराम, सूर्यनाथ यादव, अरुण पाल, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, विनोद पटेल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बार अन्नपूर्णा मंदिर इस प्रांगण के न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी मां अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों रामलीला का जो मंचन हो गया है, मैं लगभग हर साल ये थोड़े बीच पर आना है। भगवान राम का आशीर्वाद है इतने पहुँचना है। प्रभाकर जी, बेटी जी और भारतीय जनता पार्टी के हो सब लोग जो संस्था हिस्सेदारी निभा रहे हैं और जो कार्यक्रम है रामलीला का जो मंचन जो है उस सहयोग दे रहे हैं। सब तो पहले तो उन्होंने बहुत बहुत बधाई है कि इस तरीके का कार्यक्रम और इस तरीके का वातावरण शायद ही जलंधर जिले हो देखने को मिलता है, जितना थोड़ा इतने मिलता है तो बहुत बहुत बधाई। और मैं समझ रहा है कि बहुत बड़ा स्थान है रामलीला का इस तरीके के कार्यक्रम जो देखने को मिलते हैं। मैं कई ऐसे परिवार जाना है जिसे भैं और मातावान कह रही है किसी अपने बच्चे को रामलीला नहीं दिखा जा पाते, लेकिन अभी चाहते हैं कि वो सब कुछ देख, क्योंकि अजकल जी सा नई पीढ़ी है वो मोबाइल तो टेलीविजन तो बाहर नहीं आ रही। बच्चे तीन तीन साल चार चार साल के होंगे तो सिर्फ मोबाइल पकड़ के उन्होंने पता है कि कहे चैनल पर असं कार्टून देखना है, कि चैनल पर असं अपने पिक्चर देखनी है। सो इस तरीके का प्रभाव जोड़ा है नवी टेक्नोलॉजी का साढ़े सारे समाज साढ़े सब बच्चों से पै रहा है, जिन्हों रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है। और मैं समझता है ये जो धार्मिक कार्यक्रम है ये साढ़े जी इस पीढ़ी को छोटी पीढ़ी जी अगे आ रही है उन्होंने अपने धर्म नाल अपने इतिहास नाल जोड़न का काम करता है। और ऐसी संस्थावां जो इस कार्यक्रम को सच्चे तरीके कर रही है जिस तरीके इतने हो रहा है
तो बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक काम में समझ जाए कर रहे हो तुम, और इसी तरीके में आगे भी करते रहो, मेरी हमेशा शुभकामना है। और मैं चाहता है कि जिस तरीके का लोग इतने हुमो आके आते हैं, जिन्ना जोश नजर आता है, जिस तरीके की श्रद्धा नजर आती है इतने, ये हमेशा बढ़ती रहे। और भगवान राम का आशीर्वाद तो हम सब लोग न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद के खुले मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला के आठवें दिन की नाइट में कलाकारों द्वारा खरदूषण वध और श्री हनुमान जी द्वारा शोक वाटिका को ध्वस्त करने का सुंदर मंचन किया गया। रामलीला के आठवें दिन की शुरुआत भाजपा पंजाब महासचिव राकेश राठौर, रमन पब्बी, सनी शर्मा, मनीष विज, अमित कुमार भाटिया, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया के चेयरमैन अश्वनी पुरी, प्रधान केवल कृष्ण चोपड़ा, सचिव के गुप्ता, उपप्रधान प्रिंस कक्कड़ और मुनीश चोपड़ा ने विशेष रूप से शिरकत कर की। इस अवसर पर मुख्य निर्देशक श्री राम जग्गी, मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, अध्यक्ष भगवंत प्रभाकर, महासचिव हितेश सियाल, कोषाध्यक्ष यशु सियाल, वाइस चेयरमैन केवल कृष्ण चोपड़ा, ओम प्रकाश सप्पल, संगठन मंत्री धर्मपाल अरोड़ा, उपप्रधान अश्विनी हांडा, ललित शर्मा, विकी सियाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। उपकार रामलीला क्लब, ढंडार मंदिर, बस्ती गुजा रजिस्टर्ड, 53 साल से लगातार प्रभु राम की लीला खेल रही है और आज प्रभु राम की लीला 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक खेली जा रही है। हमारे 30 साल से लगातार मुख्य अतिथि के रूम में शीतल विज जी, देवी तालाब मंदिर के प्रधान एवं दैनिक सवेरा के संपादक, वो हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं इसमें। और मेरा बस्ती निवासियों से अनुरोध है कि वो उपकार रामलीला क्लब के एक बार आकर के लीला जरूर देखें। और आरती जो है वो पंजाब में एक नंबर पर जा रही है, बहुत बहुत से दुनिया हमारी आरती को देखने के लिए आते हैं। तो मेरा जनपद निवासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वो हमारी आरती को ज़रूर आकर के देखें। सो मेरा आप प्रभु राम की आज की जो लीला है वो है लंका दहन। और राम के रोल में हमारे उदय बाली जी और लक्ष्मण के रोल में संदीप बाली जी, सीता के रोल में गगन जी, रावण के रोल में अजय बाली जी और शर्मन के रोल में अनु वर्मा जी, सब कार्यकर्ता जिन्हें भी हैं, राघव बैल जी जो आज हनुमान का रोल अदा कर रहे हैं, सब यहाँ मैं तो ये हमारे पात्र हैं, पात्र जिनका मैं नाम नहीं ले पा लगा। हमारे भी मेरे साथ नीता बैल जी, प्रदीप जी, शील जी और जितने भी मेरे साथी हैं वो पूर्ण सहयोग। हाँ, बेरी जी जो गायक हैं हमारे, वो पूर्ण हमें सहयोग मिलता है। तो मेरा बस्ती निवासियों से, जनता निवासियों से एक ही प्रार्थना है कि हमारी आकर के एक बार रामलीला जरूर देखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के 7वें दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के 7वें दिन गायक चीनू सहगल एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। ये चौंकी चौहान परिवार की ओर से करवाई गई। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल, उपप्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमनपुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू कुलवंत रायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायक चीनू सहगल को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तेरी रखी है चौकी किस रूप बिछिया माता।
कमेटी एवं नवयुग मंडल दशहरा कमेटी की ओर से 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से रामलीला ग्राउंड सोडल रोड जालंधर में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रामलीला ग्राउंड में सुबह 10 बजे रामचरितमानस रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया और ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई, तो वही 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री रामचरितमानस पाठ को विश्राम दिया जाएगा और 24 अक्टूबर को दोपहर बाद रावण दहन से पहले आतिशबाजी का मुकाबला किया जाएगा। दशहरे वाले दिन शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से दोपहर 2 बजे से शुरू होकर दशहरा क्षेत्र की परिक्रमा कर दशहरा ग्राउंड में संपन्न होगी। गौरतलब रहे कि बालाजी के स्वरूप इस दशहरे की शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस अवसर पर प्रधान सुखविंदर कालिया, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, मंच संचालक सुनील विज बिट्टू, कैशियर विकी शर्मा, पंडाल इंचार्ज गौरव कनौजिया गोरा एवं महासचिव विनी छाबड़ा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दशहरा उत्सव साड़ी रामलीला कमेटी इत्थे मनान जा रही है, जिस विच बहुत सुंदर सुंदर झाकियां पेश कीतियां जाणगियां। 2 बजे दुपहरे शोभा यात्रा इत्थों आरंभ होएगी ते पूरे इलाके दे विच गज वज के प्रभु श्री हनुमान जी दे चरणा दे शोभा यात्रा च नचदे गांदे टपदे सारे इलाका निवासी मुड़ के 4 बजे के करीब ग्राउंड दे विच सारे शामिल होणगे ते दशहरा उत्सव 5:30 बजे रावण दहन किया जाएगा। मैं सारे मोहल्ला निवासी इलाका निवासियां नूं फिर बेनती करदा अपने वालों नवयुग मंडल रामलीला कमेटी वालों के सारे वध चढ़ के भाग लो ते प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त। जय महावीर क्लब बस्ती शेख की ओर से रामलीला की 8वीं नाइट में लक्ष्मण मूर्छा का मंचन किया गया, जिसमें सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका को बाखूबी निभाया, जिसे देखकर सभी दर्शक भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर विक्की शर्मा, हर्ष सोंधी, शिवम शर्मा, गुलशन बजाज, राणा शूर, साहिल वर्मा, रवि सोंधी, रवि करवाल, करण खेड़ा, साहिल भंडारी, अंश शूर, दर्पण शर्मा, विकी, सागर शूर, आशिव कपूर, अभिषेक सोंधी, गगन शर्मा, चेयरमैन विनोद शूर, प्रधान सुभाष कपूर, चीफ डायरेक्टर सतीश बजाज, डायरेक्टर संजीव सोंधी सहित सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप की रिपोर्ट। जय महावीर क्लब की तरफ से आज मंचन का 8वां दिन है। 7 दिन इस मंच पर मंचन किया गया, लोगों ने बहुत ही सराहा और आज के दिन जो मंचन हो रहा है लक्ष्मण मूर्छा, तो हम इसे मंचन नहीं समझते। यहाँ तो प्रभु की लीला अपना रंग दिखाती है, यहाँ शक्ति अपना काम करती है और लोग प्रभु भक्त जो इसमें श्रद्धा आस्था रखते हैं वो हर साल यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और प्रभु का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो मैं
दैनिक सवेरा की टीम की तरफ की टीम का बहुत आभारी हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम की कवरिंग करने के लिए आज आए हैं। तो मैं एक बार फिर इनका आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। दशहरा ग्राउंड बस्ती शेख में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ये क्लब लगभग 55 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। प्रभु की कृपा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और हमें भी प्रभु के चरणों का नाम सिमरने से खुशी मिलती है। दैनिक सवेरा वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी क्लब की स्टेज को आज कवर करने आए हैं। आज हमारी नाइट है लक्ष्मण मूर्छा, जो कि कई सालों से चली आ रही परंपरा आज आपके सामने प्रभु कृपा होगी। मैं दैनिक सवेरा वाले का शीतल बीज का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये टीम हमारे क्लब की कवरिंग करने के लिए भेजा है। आज हमारे कलाकार बखूबी से काम करेंगे और मूर्छत का कोई समान निर्धारित नहीं है। कितने बजे आए, कब खुले, ये तो उसी की प्रभु की माया है। हम तो उस प्रभु के अधीन हैं और आज पंडाल में खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी और सभी को ये प्रार्थना करता हूँ कि आराम से बैठें, आराम से देखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अमृतसर में श्री कृष्ण बाल यंग सभा कटड़ा दुल्लो मंदिर गौड़ की ओर से नवमी के उपलक्ष्य में प्रधान मनीष कुमार की अध्यक्षता में 23वीं विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, बोनी अचनाला पार्षद डॉक्टर विनीत सरीन, विकास सोनी, महेश खन्ना, अरुण कुमार पप्पल, दुर्ग्याना कमेटी प्रधान प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभायात्रा के मार्ग में भक्तों ने पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर शोभायात्रा का स्वागत किया। सारे मार्ग में प्रभु महिमा के गुणगान ने वातावरण को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर गुरुदेव दारा, राकेश वैद्य, संजय शर्मा, रोबिन मेहरा, संदीप सिप्पी, रवि नंदा, संजीव अरोड़ा, रमेश डोगरा, रमन बाबा, रमन दुआ सहित समूह इलाकावासी मौजूद रहे। इस अवसर पर आए हुए मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज रामनवमी के उपलक्ष्य से श्री कृष्ण बाल जंग सभा नो हर साल की तरह इस साल भी 23वीं रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा सानू कढ़ दिया 23 साल हो गए, शोभा यात्रा कढ़ दिया 23 साल हो गए। पिछले 23 साल तो श्री कृष्ण बाल जंग सभा रामनवमी के उपलक्ष्य शोभा यात्रा कढ़ते हैं। फिर ये जी श्री राम जी के स्वरूप बनाए जाते हैं, माता जी के स्वरूप बनाए जाते हैं, श्री राम दी जी झाकियाँ वो बनाई जाती हैं, जेडे शहर के वक् वक् बाजारा चो होते हुए दोबारा कटरा दुल्लो जी आके समाप्त हो गए। ये जी कटरा दुल्लो तो शुरू होके कटरा भाई संत सिंह कुंडा तलाब, गुरु बाजार, शास्त्री मार्केट, कलियारा, मिश्री बाजार, पापड़ाला बाजार, टुंडे तलाब तो हो गए, कटरा भाई संत सिंह तो लोहगढ़ तो हो गए, दोबारा मंदिर गोड़ जी कटरा दुल्लो च संपन्न हो गए। श्री कृष्ण बाल यंग सभा कटरा दुल्लो दे वल्लों पिछले 23 साल तो असी रामनवमी के उपलक्ष्य दे विच महामाई के उपलक्ष्य दे विच माता रानी जी दियाँ, भगवान राम जी दियाँ, गणपति भगवान जी दियाँ, बाला जी दियाँ, सालासर भगवान जी दियाँ, काली माता जी दियाँ झाकियाँ कढ़ते हैं। श्री कृष्ण बाल यंग सभा जिहड़ी कि मनीष प्रधान जी, लव खन्ना जी, साढ़े पंकज डोगरा जी और डोगरा परिवार सारे परिवार के नाल काफ़ी लंबे समय तो जुड़े हैं और मैं महसूस करता भी ये साढ़े यूथ में एक बहुत वड्डी प्रेरणा नशे तो दूर रहने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण बाल यंग सभा के
सारे ही यंग ने, सारे नौजवान साथी ने और ये अपनी पॉकेट दे विचों अपनी कमाई का दसवंत कढ के ये प्रोग्राम करते हैं, जिदे नाल साडे समाज दे विच जिहड़े अच्छे समाज सेवक ने, समाज सेवी संस्थावां दे नाल जुड़े ने, पुलिस प्रशासन तो ने, राजनीति शास्त्र तो ने, जिथों जिथों भी कोई बिलोंग करता जिन्हें साडे समाज दे लई अच्छा काम किया है, श्री कृष्ण बाली यंग सभा उन्हों हमेशा समय समय सिर सन्मानित करती आ रही है। और मैं महसूस करता बड़ा अच्छा उपराला है साडे यूथ लई, साडे बेटे लई, साडी बेटियां दे लई, उन्हां नूं नशियां तों दूर रहण दे लई और अपनी संस्कृति दे नाल जुड़न दे लई एक बड़ी अच्छी प्रेरणा है। मैं अपने वालों, अपनी टीम वालों और इस टीम का सदस्य होने के नाते सारे शहर वासियों नूं वधाई देना और बेनती करांगा भी जिहड़े होर भी आसे पासे अपने कोई NGO चलाते हैं वह भी इहो जिहे धार्मिक उपराले करन तां कि जिहड़ी साडी आने वाली पीढ़ी है वह अपने धार्मिक भावनावां दे नाल जुड़न और उन्हां नूं साडे धर्म का और साडे प्रीवियस जिवें साडे रामायण है, गीता है, होर साडे ग्रंथ ने उन्हां दे बारे जानकारी हो सके। मैं श्री कृष्ण बाल यंग सभा वालों, समूह पदाधिकारियों वालों, आप सब जिहड़े चैनल का एक एक कदम धन्नवाद करदा और महसूस करदा भी आप जिहदा चैनल साडी आवाज़ नूं जन जन तक पहुँचाने दे विच, श्री कृष्ण बाल यंग सभा का मैसेज लोगों तक पहुँचाने दे विच आपका चैनल साडी मदद करेगा। आप जी दे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। मोगा कोटकपुरा रोड पर होंडा इमेज कार और ट्रक में हुई टक्कर के बाद ट्रक को लगी आग, एक की हुई मौत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर राजा पहाड़िया को किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस किए बरामद। जालंधर के मॉडल टाउन में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।